इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। शायद तुमको इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। उसने जैसा इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जांच की बात करते हैं, यही जांच की बात करते हैं। दोषी एक्चुअल में दोषी लोग हैं, वो पकड़े जाने चाहिए। हम उसकी मांग कर रहे हैं, उनका ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन ही संविधान में आप किसी को उतनी ताकत हम सब लोगों को दी है। लोकतंत्र में हम सब जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आप हमको जानते हैं, हम ज्ञापन यही नहीं, यहाँ धारा 144 लगी ही नहीं है, आप हमको नहीं रोक सकते। यहाँ धारा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम मत करें। आज जब पूरे प्रदेश में हम लोगों ने एक साथ बातचीत करके आंदोलन करने की बात कही है, फिर उसके बाद क्यों आप लोग ये जबरदस्ती कर रहे हैं? पलारी में हम लोगों को रोका गया, पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी को रोका गया, शैलेशन त्रिवेदी हमारे जिला कांग्रेस के बात रोका गया। पहले जी यही सब पहले कर लेते ना, क्या चेकिंग किया? 10 तारीख के पहले कर लेते तो ये सब काहे को होता। एक फोटो लेने दीजिए, ग्रुप नीचे करो, चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर करो या फिर काटा है, फोटो को नीचे करो। रुकिए आप लोग, रुकिए रुकिए, इधर इधर आ जाओ। हम लोग तो भाटा पारा तरफ जा रहे हैं भाई, हम तो क्यों रोक रहे हैं? भाटा पारा तरफ जा रहे हैं, ये क्या तरीका है? उड़ेंगे बलौदा बाजार पर, तब देखना यार है। ज्ञापन देते हैं रुपेश भैया, इनको आगे तहसीलदार साहब, तहसीलदार आपने भारतीय जनता पार्टी के जांच दल को साक्ष्य छिपाने के लिए आपने कर दिया एक दिन के लिए, और शाम के 4 बजे तक मात्र पकड़ी थी, तो पूरा दिन भर करना था। शाम के 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक नगर सीमा में है ना, अभी तो नगर सीमा आई कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है, ये छुईया का ग्रामीण है, चला जाओ। नहीं है, नहीं है नगर, ये नगर पालिका क्षेत्र नहीं है, नहीं है नगर पालिका क्षेत्र, ये छुईया गाँव है। जिला प्रशासन बीच में ही रोक ली, क्या कुछ मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरीके से मांग? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में 2 दिन पहले ही हर जिले में पूरे प्रदेश में इत्तला कर दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपना जन आंदोलन करेगी। और जब बलौदा बाजार में आते समय पलारी में मेरी गाड़ी को रोका गया, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को रोका गया, हमारे हितेन ठाकुर जी लोग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनको रोका गया। क्यों रोका गया? 144 धारा 16 तारीख तक, 17 तारीख को क्यों नहीं, और शाम के 4 बजे तक ही क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जांच दल आकर क्या करना चाहता था वो तो सब जानते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी सहाय सरकार की बर्खास्ती की मांग करते हैं, इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा मामला हो गया, इतनी स्थितियां निर्मित से बाहर हो गई, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और राज्य सरकार की लापरवाही है। तो इतनी बड़ी स्थितियां उत्पन्न, और बेगुनाह लोग आज सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद है, कई लोगों को तो पता नहीं है वो लोग कहाँ हैं, घर वाले खोज रहे हैं, लापता हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में धरना दिया है। यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना दे रहे थे, मुंह में काली पट्टी बांधकर न्याय की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने इन जैत खम को तोड़ने का काम किया, इसके पीछे क्या साजिश है, वो लोग पकड़ा क्यों नहीं रहे, सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज ये धरना हम लोगों ने देने का काम किया, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती हम लोगों को रोकने का काम किया। कांग्रेस के ऊपर